मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है। आप संविधान बदलना चाहते हैं, वोट की ताकत छीनना चाहते हैं। सूरत तो अभी शुरुआत है, सूरत में भाजपा वाले बगैर चुनाव के जीत गए। सूरत तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। अगर ये गलती से जीत गए पूरे देश में चुनाव खत्म करेंगे। और 400 पार जनता करिए तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तो जो मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। आज मैं आपसे सही राम के लिए जब वोट मांगने के लिए आया हूं तो तानाशाही के खिलाफ भी वोट मांगने आया हूं। और आज आपसे मजदूरी मांगने आए हो, मजदूरी मांगने। जैसे एक मजदूर से आप 8 घंटे काम लेते हैं, शाम को अपनी मजदूरी खत्म करता है, आप पूछते हैं तुमने दिन भर में काम ठीक किया कि नहीं किया, उसके काम को चेक करते हैं, देखते हैं उसने 8 घंटे की मजदूरी अच्छी की तो पूरा पैसा मजदूरी का उसको देते हैं। मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि आपका बेटा आपका लाल अरविंद केजरीवाल जेल में है, उसने आपकी सेवा पिछले 9 वर्षों में आपके भाई बनकर आपके बेटे बनकर आपका लाल बनके किया कि नहीं किया, हमको बताओ। किया कि नहीं किया बताओ, हाथ उठा के बताओ। कोई नेता ऐसे बात नहीं करेगा, लेकिन यह अरविंद केजरीवाल का काम है कि हम लोग सीना तान के और सर उठाकर पूछते हैं, केजरीवाल साहब ने अगर आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दी तो उनको वोट देना। केजरीवाल साहब ने अगर आपके बच्चों को अच्छा इलाज दिया तब उनको वोट देना। भारत की आजादी के बाद पहली सरकार अरविंद केजरीवाल की जिसने 200 यूनिट बिजली फ्री दिया, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर दिया, अगर ये काम किया तो वोट देना। अगर फ्री पानी देने का काम किया तो वोट देना। बुजुर्गों को तीर्थयात्रा कराने का काम किया तो वोट देना। माताओं बहनों के लिए, मजदूर महिलाओं के लिए, कॉलेज में जाने वाली बेटियों के लिए बस की यात्रा फ्री की तो वोट देना। 1,000 रुपए प्रतिमाह माताओं बहनों को देने की योजना ला रहे हैं और उसको पूरा करेंगे, ये भरोसा है तो आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को वोट देना। सेवा की है तो मजदूरी दोगे ना, हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए। क्या गुनाह है भाई अरविंद केजरीवाल का, क्या गुनाह है बहन जी बताओ, कोई गुनाह है, कोई गलती किया? कभी आप में से कोई मिलने गया, कभी ऊंची आवाज में बात की क्या केजरीवाल ने, किसी से ऊंची आवाज के बात की, किसी को झिड़क के बात किया? जब भी गए प्यार से बात किया, कोई बुजुर्ग मिलने गया तो पैर छू लिया, तीर्थ यात्रा करने गए तो ट्रेन पे छोड़ने चले गए, गए नहीं गए बताओ हमको, गए कि नहीं गए बताओ हमको, आप बताओ हमको। जब 15 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार तो 49 दिन की सरकार से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और देखिए भाजपाई कितने कलाकार और बदमाश है, जब 49 दिन की सरकार से इस्तीफा दिया तो पूरे दिल्ली में क्या कह रहे थे, केजरीवाल भाग गया, केजरीवाल भाग गया, केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा क्यों दिया क्यों दिया क्यों दिया। अब केजरीवाल कह रहे हैं हम काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे, तो कह रहे इस्तीफा दो इस्तीफा दो। बेईमान लोग है ना, बेईमान है ना, झूठ बोलते हैं ना। अरे केजरीवाल ने जब अच्छा काम करके दिखा दिया तो भाजपाइयों के पेट में ये बात पच नहीं रही है, अब वो इस्तीफा चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं केजरीवाल मुख्यमंत्री थे हैं और रहेंगे। और तुम चाहते हो केजरीवाल इस्तीफा दे दें, केजरीवाल इस्तीफा दे दें,
और पहलवान बेटियों के साथ जिसने अन्याय किया वो इस्तीफा नहीं देगा। अजय मिश्रा टेनी देश का गृह राज्य मंत्री, उसके बेटे ने 4 किसान अन्नदाताओं को कुचलकर मार दिया, वो इस्तीफा नहीं देगा। मणिपुर का मुख्यमंत्री, जहां 1 साल से दंगे और हिंसा चल रही है, एक कारगिल के फौजी की पत्नी को निवस्त करके मणिपुर में घुमाया गया, वो बेईमान मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा। और केजरीवाल जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं वो इस्तीफा देंगे? कभी इस्तीफा नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल जनता की सेवा करते रहे हैं और करते रहेंगे। बताओ केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पीछे तक चिल्ला के बताओ जिससे सुनाई पड़े। नहीं देना चाहिए बोल रहे ना, नहीं देना चाहिए। गुनेश भाई सुन रहे हो, भाजपा वालों को जाके बताओ। और पर्चा उनके घर भी बांटना। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, बीजेपी वाले भी नरेंद्र मोदी के काम से दुखी हैं। वो भी कह रहे केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। वो भी कह रहे हैं जो भाजपा वाले हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल ने स्कूल अच्छे बनाए तो उन्होंने यह नहीं देखा कि इसमें कांग्रेसी का बच्चा पढ़ने जाएगा कि भाजपाई का बच्चा पढ़ने जाएगा कि आम आदमी वाले का बच्चा पढ़ने जाएगा। केजरीवाल ने कहा, हमारे दिल्ली का भाई अगर है उसका बच्चा अगर पढ़ने जाएगा तो मुझे इस बात की खुशी होगी। स्कूल सबके लिए अच्छे बनाए, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे आम आदमी वाला हो, चाहे भाजपा वाला हो। बताओ बनाया नहीं बनाया ना? अस्पताल बनाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, सड़कें बनाई। ये हमारी भावना बहन है, हमेशा परेशान रहती है, भैया क्षेत्र में पानी आना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, हमारी गली गली बननी चाहिए। अजय राय भी जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं बताओ। और जब ये लोग विधायक और पार्षद नहीं थे, ये हमारे विधायक अर्जुन साहब या सही राम जी, इनसे कोई भी आदमी जाता है, मिल लेता है, हाथ पकड़ के कहता है, विधायक जी काम होना चाहिए हमारा, कहता नहीं कहता बताओ? कहता है ना। भाजपा वाले से ऐसे कर सकते हो क्या? बात कर सकते हो क्या? कर सकते हो? आपके सांसद कौन थे? कौन थे? कौन थे? पीछे से कोई कह रहा गालीबाज सांसद, कह रहे नहीं कह रहे? गाली दे संसद के अंदर जो आदमी गाली देता है, देश की संसद में जो गाली देता है उसमें वो भाजपा का सांसद था? बताइए आप, बताइए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वालों को तो जब चाहोगे, दिन हो रात हो, कभी भी पकड़ सकते हो। हमारा काम होना चाहिए कह सकते हो, और आम आदमी पार्टी का जो विधायक होगा, पार्षद होगा, वो अपने भरसक प्रयास आपके कामों के लिए करता है। यही हमको केजरीवाल जी का निर्देश भी है। जब 2015 में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे मेरे भाइयों, सरकारी स्कूलों में बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चों के लिए, कमरे टूटे रहते थे, छत चूती रहती थी, पानी गिरता रहता था। अरविंद केजरीवाल ने वो छत जहां से पानी बहता रहता था, वो कमरे जहां टाट पट्टी पर बैठ के बाप के बच्चे पढ़ते थे, केजरीवाल ने उन सरकारी स्कूलों को एयर कंडीशन कमरे बनाए आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए। ये गुनाह है क्या केजरीवाल जी का? ये गुनाह है क्या? क्या ऐसा काम करने वाले को जेल में डालना चाहिए क्या? जेल में डाल दिया। 10 साल के अंदर ऐसे सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल ने बना दिए, पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की सरकारों को जाकर देख के आओ। और बीजेपी वालों से कहना, एक स्कूल केजरीवाल के टक्कर का दिखा दो, हम आपको वोट दे देंगे।
गलत तो नहीं कह रहा हूं। मोदी जी की जालिम सरकार ने जेल में 23 दिन तक उनको इंसुलिन नहीं दिया, दवा नहीं दिया। 23 दिन के बाद जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, कोर्ट का आदेश हुआ, तब जाकर उनको इंसुलिन दी जाती है। केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। हाथ जोड़कर आपसे विनती करने आया हूं, अरविंद केजरीवाल को बचा दो, अरविंद केजरीवाल को अपने वोट की ताकत से बचा लो और सहीराम को यहां से जिता कर भेजो। जेल का जवाब वोट से दो, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। और इन फर्जी लोगों के चक्कर में मत पड़ना, मत पड़ना इन फर्जी लोगों के चक्कर में। मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। क्या बोला तुम्हारे नौजवानों के लिए 2014 में, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कितना बोला, कितना बोला, जोर से बोलिए। 10 साल में कितनी नौकरी मिलनी चाहिए थी, कितनी मिलनी चाहिए थी, 20 करोड़ नौकरी। 20 करोड़ तो मिलना दूर की बात है, जो सरकारी नौकरी थी वो भी खत्म हो गई। हमारे जवानों को अग्निवीर बना दिया। बाप पहले से सेना में नौकरी कर रहा था, बेटा अग्निवीर बना 17 साल में। बाप की नौकरी जारी रहेगी, बेटा रिटायर हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, है? 4 साल में बेटा रिटायर, बाप नौकरी कर रहा है, है? ये अग्निवीर क्या बोले, बहुत हुई महंगाई की मार, अब हमको वोट दे दीजिए। महंगाई खत्म करने का वादा किया। 2014 में नरेंद्र मोदी कहते थे भाइयों और बहनों घर से निकलना तो घर का सिलेंडर देख के निकलना। तब सिलेंडर का दाम था 400 रुपए, आज सिलेंडर का दाम है 1100 रुपए। मैं संजय सिंह आपसे कहने के लिए आया हूँ, सही राम को वोट देने के लिए निकलना तो घर का सिलेंडर देख कर निकलना। और जिसके पास मोटरसाइकिल है अपनी मोटरसाइकिल भी देख कर निकलना, जिसमें 120 रुपए लीटर का तुमने पेट्रोल भरवाया। जिसके पास डीजल की गाड़ी है अपनी डीजल की गाड़ी भी देख के निकलना, जिसमें 100 रुपए का डीजल तुमने भरवाया। जिसके पास घर में सरसों के तेल का डिब्बा तो जरूर होगा, उसको भी देख के निकलना, 250 रुपए लीटर का तुमने सरसों का तेल खरीदने का काम किया। महंगाई को आसमान पे पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई खत्म करने की बात बोली, वो झूठी बात थी, जुमला था। तो झूठ की गारंटी है नरेंद्र मोदी की गारंटी। क्या बोले, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे। हमको तो लग रहा था जहाज में भर भर के आएगा, कोई पीछे से कह रहा है बैलगाड़ी में लेके आने वाले। कितना काला धन, कितना देने के वादे किए थे, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 15 पैसे भी नहीं आए। ये हमारी बहनें जो बैठी हैं, इन्होंने अपने पति से 1500 की नोट बचा के संदूक में रखी थी। क्यों रखी थी, बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो पैसा काम आएगा, अरे छोटा सा जमीन का टुकड़ा ले लेंगे, कोई छोटा सा घर बना लेंगे अपने परिवार के रहने के लिए, ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही तो काला धन है, लाइन में लगो जमा कर दो। वो भी जमा करा लिया आपका, करा लिया नहीं करा लिया, नोटबंदी में पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। कोरोना में लाखों लोगों की जान गई, 7 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई कोरोना के समय में। जब मैं संसद में गया, मैंने पूछा प्रधानमंत्री जी दुनिया का कौन सा मेडिकल साइंस है जो ये कहता है कि कोरोना ताली बजाने से ठीक होता है, कोरोना थाली बजाने से ठीक होता है। अरे पूरे देश को तुमने मूर्ख बना के रखा है, अगर थाली और ताली बजाने से कोरोना दूर हो रहा होता तो किसी को इंजेक्शन और दवा की जरूरत नहीं होती, पूरे देश को मूर्ख बनाया। हमसे लोग पूछते हैं, आज एक टीवी चैनल पे गया,
सही राम जी, मुझसे लोगों ने कहा अगला भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, मैंने कहा इंडिया गठबंधन का होगा। बोले इंडिया गठबंधन जीतेगी, हमने कहा बिल्कुल जीतेगी। बोले कितनी सीट आएगी, मैंने कहा 300 पार सीट इंडिया गठबंधन की आएगी। कहने लगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अरे हमने कहा जो भी प्रधानमंत्री बनेगा नाली के गैस से चाय नहीं बनवाएगा, पकौड़े नहीं तलवाएगा, नाली के गैस से चाय नहीं बनवाएगा। इसलिए मैं भाजपा के लोगों से भी कहना चाहता हूं, 10 साल में तुम बहुत ठगे जा चुके हो, महंगाई के नाम पर, रोजगार के नाम पर, किसानी के नाम पर, सबके नाम पे तुम ठगे गए हो, कोरोना के नाम पे, सबके नाम पे ठगे गए हो। इसलिए इस समय वक्त है, जाग जाओ और बीजेपी को हराने का काम करो, हमारे भाई सही राम को यहाँ से जिताने का काम करिए, इनको संसद में भेजने का काम करिए। और फर्जी नारों के चक्कर में मत पड़ना, पहले चरण का चुनाव हुआ तो मोदी जी बौखला गए, बौखला गए कि नहीं बौखला गए बताओ, कूल जलून कुछ भी बक के जा रहे, कह रहे संपत्ति इसको दे देंगे, संपत्ति इसको दे देंगे। मैं बताता हूं संपत्ति किसको देंगे, सुनना ध्यान से, और गलत बोलूं तो मेरा कॉलर पकड़ लेना, मैं कह रहा हूं आपसे, मोदी का सबसे करीबी दोस्त कौन है, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, कोयला किसको दिया, आवाज भाई पूरी आनी चाहिए, मोदी जी तक सुनाई पड़े, सही राम जी आप लोग भी बोलिए, कोयला किसको दिया, बिजली किसको दिया, स्टील किसको दिया, पानी किसको दिया, सड़क किसको दिया, पोर्ट किसको दिया, एयरपोर्ट किसको दिया, पूरा हिंदुस्तान अडानी को दे दिया, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा किसको दिया, 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अपने चंद पूंजीपति दोस्तों का माफ किया, 20,000 करोड़ रुपए बैंकों का लूट कर मीरा मोदी भाग जाता है, मेहुल चौकसी भाग जाता है, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लूट के भाग जाता है, 3,000 करोड़ रुपए लूट कर ललित मोदी भाग जाता है। नरेंद्र मोदी के सारे करीबी दोस्तों ने देश की संपत्ति को लूटने का काम किया है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो एक एक बेईमानों से संपत्ति जो लूटी है उन्होंने वापस लेके आम आदमी में बांटी जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, 15 लाख करोड़ अपने दोस्तों का माफ कर दिया मोदी जी ने, और अब देश के संविधान पे भी खतरा है, याद रखना ये अंतिम चुनाव है, वोट देने की ताकत इसके बाद नरेंद्र मोदी जी खत्म कर देंगे आपकी। लल्लू सिंह कह रहा है अयोध्या का प्रत्याशी, 400 सीट दे दो संविधान बदलना है, अरुण गोविंद ने कहा 400 सीट दे दो संविधान बदलना है, ज्योति मिर्जा ने कहा 400 सीट दे दो संविधान बदलना है, अनंत हेगड़े केंद्र सरकार के मंत्री रहे वो कह रहे 400 सीट दे दो संविधान बदलना है। मैं कहना चाहता हूं जब तक हम लोग जिंदा हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान को बदलने नहीं देंगे। आप संविधान बदलना चाहते हैं, वोट की ताकत छीनना चाहते हैं, सूरत तो अभी शुरुआत है, सूरत में भाजपा वाले बगैर चुनाव के जीत गए, सूरत तो झांकी है, पूरा देश बाकी है, अगर ये गलती से जीत गए पूरे देश में चुनाव खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, देश का संविधान खत्म करेंगे, हम ये काम कतई होंगे। अब अंत में 400 पार के इनके फर्जी नारे की हकीकत बता के अपनी बात खत्म करूंगा। क्या कहते हैं भाजपा, 400 पार, 400 पार, 400 पार, इस नारे के चक्कर में मत फंसना, इस नारे के चक्कर में मत फंसना। बंगाल में गए मोदी जी, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 77 से दिल्ली में आए, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट महाराष्ट्र में गए, बोले 150 पार, 150 पार, 150 पार,
आई 105 सीट, हरियाणा में गए बोले 75 पार 75 पार 75 पार, आई 40 सीट, मिजोरम में गए बोले 21 पार 21 पार 21 पार, आई एक सीट, अब कह रहे 400 पार 400 पार 400 पार, जनता कह रही है तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। इनके चक्कर में मत पड़ना और अब हिंदू मुसलमान के चक्कर में भी बिल्कुल मत पड़ना, अपने मुद्दों पर वोट करने के लिए जाना, अपने मुद्दों पर वोट करने के लिए जाना, अपने बच्चे का चेहरा देख के जाना जिसके लिए केजरीवाल जी ने अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, अपने इलाके के मोहल्ला क्लिनिक को देख के जाना, फ्री दवाएं आपको अस्पताल में मिली याद करके जाना, आपको बसों में फ्री यात्रा मिली माताओं बहनों के लिए याद करके जाना, याद करके जाना अरविंद केजरीवाल के काम को, और याद करके जाना कि आपके बेटे को आज जेल में रखा गया है, जेल का जवाब आपको, जेल का जवाब, जेल का जवाब, पीछे तक जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, वोट से देना है, वोट से देना है। हिंदू मुसलमान किसको बताते हो भाई? ये देश का जो करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, क्या वो हिंदू नहीं है? बताओ हिंदू है कि नहीं है? जो महंगाई से हमारी माताएं बहनें परेशान है वो हिंदू है कि नहीं? बताओ है कि नहीं है? है कि नहीं? जो किसान हमारे 750 किसान जिन्होंने आत्महत्या की 3 काले कानून के खिलाफ, बताओ हिंदू है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं? बताओ। बैंकों में जिसका पैसा लूटा गया मोदी जी के दोस्तों के द्वारा, बताओ वो हिंदू है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? हिंदू बताओ, बताओ हिंदू है कि नहीं? वो अग्निवीर के नाम पर हमारा नौजवान, वो जाट समाज का लड़का, वो गुजर समाज का लड़का, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लड़का, वो हमारे घरों के गरीब घरों का बच्चा जो मेहनत करके तैयारी करता है सेना में जाने के लिए, 4 साल की नौकरी करके उसके पीठ में छुरा मारने का काम मोदी जी की सरकार ने किया, बताओ वो हिंदू है कि नहीं? है कि नहीं हिंदू? है कि नहीं हिंदू? बताओ हिंदू है कि नहीं? हमारे साथ ही ठगी करते हो, हम ही को ज्ञान बताते हो, हमारी जेब काटते हो, हम ही को ज्ञान बताते हो, इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। नरेंद्र मोदी का एक ही काम है, अपने दोस्त को फायदा पहुंचाना, जनता का पैसा लूटो अडानी को दो, इंडिया का पैसा लूटो अडानी को दो, और जो कुछ बचा अपने भतीजे को चेयरमैन बना दिया बीसीसीआई का। ये सही राम हमसे पूछ रहे थे कि भैया वो कहां से क्रिकेट खेलता है जैसा, हमने कहा उसके पिताजी से पूछ लेना, अमित शाह से, कहां से क्रिकेट खेलता है, कहां से क्रिकेट खेलता है वो? जिंदगी में कभी बल्ला नहीं पकड़ा? आपका बच्चा -40 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में नौकरी करेगा अग्निवीर बनके, +50 डिग्री टेम्परेचर में सीमा की रक्षा करेगा जैसलमेर में, और अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। ये व्यवस्था आम आदमी पार्टी खत्म करना चाहती है और केजरीवाल खत्म करना चाहते हैं। अंत में फिर से आपके बेटे आपके भाई आपके लाल के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, उनके इस सिपाही को सही राम को यहां से जिताने का काम करना। क्या चुनाव निशान है हमारा? झाड़ू बहुत काम की चीज है कि नहीं है? गली साफ करना हो क्या चाहिए? मोहल्ला साफ करना हो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी हो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो क्या चाहिए? बेईमानों की सफाई करनी हो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो गया हो तो उतारने के लिए क्या? देखिए हमारी माताओं बहनों को पता है, देखे ना यूपी बिहार में जब भूत सवार हो जाता है खोपड़ी पे तो सब टांग के लेके जाते हैं ओझा के पास, ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू उसका भूत उतार देता है। तो इसलिए ये 5G कह रहे बता ही देता हूं भाई, 2G का एक घोटाला हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पहले पाओ पहले आओ पहले पाओ की नीति नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने 5G का घोटाला करने की योजना बना ली, महा घोटाला, सुप्रीम कोर्ट चले गए, कहने लगे हम तो वही नीति लाएंगे जो 2012 में थी, हमको छूट दे दीजिए, हमको देश का सारा टेलीफोन विभाग वो उठाकर देना है किसको? अपने दोस्त
नाम तो याद है, जोर से बोलो ना, अपने दोस्त, तो वो अडानी के लिए काम करेंगे, हम इंडिया के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।